इंटरनेट नहीं होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया ने साइबर अटैक और कंप्यूटर के मामले में दुनिया के कई बड़े देशों को पछाड़ दिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव को देखते हुए नॉर्थ कोरिया न सिर्फ अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है बल्कि अपने साइबर ताकत को भी बढ़ाने में लगा है। अमेरिका पर अटैक करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने EMP नाम का एक हथियार तैयार किया है। इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक है। साधारण भाषा में मिसाइल सैटेलाइट को किसी क्षेत्र के ऊपर से अटैक करना। इस बात को लेकर खुद US कांग्रेस भी परेशान है। नॉर्थ कोरिया ने अगर अमेरिका के ऊपर अपने EMP बम को छोड़ा तो एक साल के भीतर ही 90% आबादी खत्म हो जाएगी। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के EMP बम से अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक पावर ग्रिड को तबाह हो सकता है। इससे अमेरिका अंधेरे में डूब जाएगा। अगर अमेरिकी पावर ग्रिड का अटैक हुआ तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क न सिर्फ बिजली के लिए तरसेगा बल्कि खाने पीने के लिए भी भटकना पड़ सकता है। अमेरिका में बिजली गुल होने से देश में न सिर्फ बीमारियां फैलेंगी बल्कि भुखमरी से करोड़ों लोगों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। पावर ग्रिड पर अटैक होने से अमेरिका की 320 मिलियन पॉपुलेशन पर सीधा असर पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया का EMP अटैक से अमेरिका का टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ऑनलाइन से जुड़े तमाम सिस्टम खत्म हो जाएंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस हमले से किसी भी समय में नॉर्थ कोरिया के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज पर अटैक हो सकता है जिससे कम से कम 5 लाख लोग मारे जा सकते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंधों को देखते हुए चीन ने अपना इंटरनेट कनेक्शन वापस ले लिया लेकिन रूस अभी भी किम जोंग उनको इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है। हैरानी की बात है कि जिस देश ने इंटरनेट कनेक्शन उधार लिया हो उनके हैकर्स दुनिया में 7वें सबसे खतरनाक हैकर्स में से हैं। टीम इंडिलिंक्स।